तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम जो है वो डेविसन एंड जर्मर का जो है वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जिसे डी ब्रॉगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन या फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहा जाता है। इक्वेशन भी हम जो है वो यहाँ पे देखेंगे डायग्राम के हेल्प से। मैं आप लोगों को जो भी एक्सपेरिमेंट डेविसन और जर्मर ने किया था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा इस चैप्टर के और भी नोट्स बन चुके हैं जो कि आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चेक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर ये डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होता है। इससे जस्ट पहले मैंने आप लोगों को डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में जो है वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो पदार्थ होते हैं वो जो है वो पार्टिकल के समान भी बिहेव करते हैं, और जो पदार्थ होते हैं वो जो है वो तरंग के समान भी बिहेव करते हैं। मतलब उनमें पार्टिकल का भी नेचर पाया जाता है और उनमें वेव का भी जो है वो नेचर पाया जाता है। मान लीजिए किसी पदार्थ में हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो पार्टिकल है ही, लेकिन साथ ही साथ वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव के समान भी जो है वो बिहेव करते थे। और इसी चीज को जो है वो डेविसन और जर्मन ने जो है वो प्रयोग के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो वेव के समान जो है वो बिहेव करते हैं। तो ये होता है आपका डी ब्रॉगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम तो मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी ही, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ने क्या कहा था वो हम पहले देख लेते हैं। प्रत्येक गतिमान इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंग जैसे होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पार्टिकल तो है ही, लेकिन साथ में वो वेव के समान भी बिहेव करते हैं, वो एक तरंग के समान जो है वो गति करते हैं। इस तरंग की जो है वो नापी जा सकने वाली तरंग दैर्ध्य भी होती है। मतलब जो हमारा वेव होता है, जो इलेक्ट्रॉन का वेव है, उसे हम जो है वो मेजर करने वाला जो वेवलेंथ होता है वो भी होता है। इसमें जो है वो कहा जा रहा है इस तरंग की या इस वेव की नापी जा सकने वाली वेवलेंथ भी होती है, जिसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली ये जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था लैम्डा इक्वल एच अपॉन एमवी, जहां पे लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होता है या फिर तरंग दैर्ध्य जिसे कहा जाता है। प्लांक कांस्टेंट जो है वो एच होता है, जिसे प्लांक स्थिरांक कहा जाता है, और संवेग को हम एमवी या फिर पी से जो है वो इसे मोमेंटम कहते हैं। पी से भी हम जो है वो लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने एमवी करके लिखा हुआ है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो ये तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली था कि डी ब्रॉगली ने जो है वो क्या कहा था। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हो तो जस्ट पहले वाला वीडियो जो है वो जरूर देखें, डी ब्रॉगली जो हाइपोथेसिस मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसका हम कैसे सिद्ध करेंगे, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के समान जो है वो उनका नेचर होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो बताती हूँ। नोट्स भी जो है वो आपको साथ साथ जो है वो लिखना पड़ेगा इसका, कि कैसे कैसे हो रहा है। डेविसन और जर्मर का जो भी प्रयोग है वो मैंने नोट्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट डायग्राम में हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं, देन उसके बाद हम जो है वो नोट्स में भी देखेंगे। तो डेविसन और जर्मन ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के समान भी जो है वो बिहेव करते हैं, बट इसे जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग जो है वो डेविसन और जर्मर के द्वारा जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे यूज किया गया है वो इक्विपमेंट के बारे में जो है वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपका फिलामेंट दिख रहा है, जो कि टंगस्टन का जो है वो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का तंतु भी कहते हैं। जब इस टंगस्टन के फिलामेंट को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। क्लियर हुआ क्या था मैंने? इलेक्ट्रॉन को हमें जो है वो उत्सर्जित करने के लिए हम जो है वो इस फिलामेंट का जो है वो यूज करते हैं। और ये क्या है आपका बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे इस टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकिल क्रिस्टल से जो है वो टकराते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने निकिल का जो है वो क्रिस्टल रखा हुआ है, मतलब मेटल हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है, धातु हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये जो एक्सपेरिमेंट है, याद कीजिए मैंने आप लोगों को कॉम्प्टन इफेक्ट में बताया था, जैसे एक्सरे जब किसी धातु से टकराते थे तो उनका जो है वो डिफ्रैक्शन होता था, सेम वही चीज जो है वो डेविसन और जर्मन ने भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो प्रयोग किया था। क्लियर हुआ आपको? तो यहां से टंगस्टन के थ्रू जो है वो टंगस्टन का जो फिलामेंट है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस निकिल के क्रिस्टल से जो है वो टकराते हैं, और निकिल के क्रिस्टल से टकराने के बाद उनका जो है वो विवर्तन हो जाता है, विवर्तन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, अब जो है वो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जब निकिल क्रिस्टल से टकराते हैं उनका क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, या फिर जिसे हम डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर हिंदी में कहे तो इलेक्ट्रॉनों का जो है वो विवर्तन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन को हम अगर मेजरमेंट करना चाहे तो यहाँ पे जो है वो सर्कुलर स्केल जो है वो लगा रहता है, यहाँ पे सर्कुलर स्केल जो है वो यहाँ पे फिट होता है।
तो जैसे इलेक्ट्रॉन का जो है वो यहां से डिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो मूवेबल कलेक्टर में जो है वो इसे कलेक्ट करते हैं। मतलब यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन का जो है वो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसे जो है वो इस कलेक्टर में जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और इस कलेक्टर के थ्रू जो है वो गैल्वेनोमीटर भी जो है वो अटैच होता है, गैल्वेनोमीटर भी जो है वो यहां पे अटैच होता है। तो इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन का जो पुंज है उसका अगर हमें इंटेंसिटी मेजरमेंट करना हो तो हम जो है वो गैल्वेनोमीटर का जो है वो यूज करते हैं। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट है, और भी इसके बारे में हम जो है वो अच्छे से डिटेल में देखेंगे। और देखिए इस तरीके से जो यहां पे एंगल बनता है उसे हम लोगों ने थीटा से जो है वो व्यक्त किया हुआ है। तो इन सारे चीजों के बारे में जो है वो हम नोट्स में और भी अच्छे से देखते हैं गाइस एक एक करके। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ आया कि सेम हम लोगों ने जो कॉम्पटन इफेक्ट देखा हुआ था, हम लोग जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इस क्रिस्टल के थ्रू जो है वो टकरा रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो एक्सरे का यूज करते थे कॉम्पटन इफेक्ट में, और सेम एक्सरे का जो यूज करते थे तो वहां से क्या होता था, जो एक्सरे होती थी वहां से जो है वो उनका भी जो है वो विवर्तन होता था। तो सेम यही चीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वो यूज किया, क्योंकि उन्हें बताना था कि जिस प्रकार एक्सरे जो है वो डबल बिहेवियर दिखाती है, एक्सरे में जो है वो पार्टिकल भी पाए जाते हैं और उनमें वेव नेचर भी पाया जाता है, सेम उसी प्रकार उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए दिखाया कि इलेक्ट्रॉन में भी जो है वो वेव नेचर पाया जाता है और वो पार्टिकल तो है ही। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए ये जो मैंने बताया उसका आप जो है वो नोट्स लिखिए, फिर इसके रिलेटेड जो भी इक्वेशन वगैरह वो भी हम देखेंगे। गर्म टंगस्टन तंतु से या गर्म टंगस्टन फिलामेंट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन निकिल क्रिस्टल पर टकराते हैं, निकिल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन होता है। यही सेम चीज मैंने आप लोगों को बताया, गर्म फिलामेंट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन निकिल क्रिस्टल पर टकराते हैं, निकिल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन या फिर डिफ्रैक्शन होता है। निकिल क्रिस्टल से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन फैराडे केज में एंटर करते हैं। जैसे ये यहां से टकराते हैं, यहां पे देखिए कलेक्टर में जो है वो ये कलेक्ट हो जाते हैं। फैराडे केज का भीतरी सिलेंडर एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे जो जिसे हम फैराडे केज भी कहते हैं, और ये जो फैराडे केज है वो गैल्वेनोमीटर से जो है वो अटैच रहता है। विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता इंटेंसिटी का जो मेजरमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है वो किया जाता है। अब चलिए क्या क्या इक्वेशन वगैरह है वो भी हम जो है वो देख लेते हैं। 1/2 mv² = v × e समीकरण 1। तो ये जो 1/2 mv² है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, तो इसे हम लोगों ने 1/2 mv² करके लिखा हुआ है, और v × e जो है वो वैद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य है। ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो है वो चार्ज होता है, जो भी आवेश है इलेक्ट्रॉन का उसको हम लोगों ने ई करके जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, और वी जो होता है वो उस क्षेत्र का जो है वो पोटेंशियल होता है। मतलब वी पोटेंशियल वाले एरिया से हम जब ई चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं, तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को हम लोगों ने v × e करके लिखा हुआ है, समीकरण 1 आपका हुआ। अब देखिए क्या होगा, हम वी को इस तरफ लाते हैं और ये जो mv² है वो इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 1/2 भी इधर आ जाएगा, तो ये फाइनली आपका 2v × e करके जो है वो हो जाएगा, और ये m जो है वो यहां पर नीचे आ जाएगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, जस्ट इस तरफ जो है वो इसे ट्रांसफर किया है, तो समथिंग इस प्रकार का आपका जो है वो इक्वेशन मिलता है आपको। तो v के मान को डी ब्रोगली समीकरण में रखने पर, डी ब्रोगली इक्वेशन हमारा λ = h/mv है, तो हम क्या करते हैं, v का जो वैल्यू आया है उसे हम जो है वो इस v के जगह पे रखते हैं, तो इस प्रकार से हमें मिलता है λ = h/2vem करके जो है वो हमें मिलता है, और ये समीकरण 2 हुआ। ये इसलिए आया गाइस क्योंकि यहां पे देखिए m है, तो इसे m को हम लोगों ने √m × √m इस तरह से जो है वो सॉल्व किया हुआ है, तो ये आपका फाइनली इस तरीके से समीकरण 2 हमें मिलता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मिला हुआ है उसके ऊपर जो है वो वैल्यू रखेंगे, जैसे कि e का वैल्यू जो है वो 4.803 × 10⁻¹⁰ esu है, और m का वैल्यू जो है वो ये इस प्रकार से है, और h प्लांक स्थिरांक जो कि प्लांक कांस्टेंट है उसका वैल्यू जो है वो ये है। तो सबका वैल्यू जो है वो हम इस समीकरण 2 में जो है वो रखेंगे, तो ये सारा वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं तो ये आपका मिलता है λ = 6.625 × 10⁻²√2 × v × 4.803, इस प्रकार से जो है वो हम लिखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऐसा आएगा, ESU में जो है वो इसका आंसर जो है वो आएगा लेमडा, जो कि वेवलेंथ का जो है वो वैल्यू है, बट वन ESU इक्वल 300 वोल्ट होता है, तो अगर हम इसे वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये आपका 12.26 × 10⁻¹⁸√v करके जो है वो हो जाएगा, और ये जो 12.26 होता है उसका
वैल्यू जो है वो रूट 150 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसे 150 अपॉन वी करके जो है वो एक साथ रूट लगा देते हैं इनटू 10^-8 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो आपका आंसर है लैम्डा इक्वल इतना आता है। तो यहाँ पे जो भी हम लोगों को वेवलेंथ प्राप्त हुआ है उसका वैल्यू जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ के समान आता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डेविसन और जर्मर का प्रयोग है वो पूरा कॉम्प्टन इफेक्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, सेम वैसा ही है। सेम जैसे एक्सरे का तरंग, एक्सरे का जो भी वेवलेंथ का जितना वैल्यू आता था, सेम यहां पर भी वही वैल्यू आता है। मतलब इससे प्रूव होता है कि जैसे एक्सरे जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों के समान जो बिहेव करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी जो है वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन वो भी जो है वो वेव के समान जो है वो बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका जो वेवलेंथ है वो भी समथिंग एक्सरे के वेवलेंथ के इक्वल आता है। तो इससे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन भी तरंग के समान व्यवहार करते हैं। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो तरंग जैसी होती है। क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को आज का टॉपिक? तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो भी आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।